इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। सिवनी मध्य प्रदेश में आज पत्रकारों के सवालों का जवाब, सुबोतों के साथ दिया जवाब। नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेस के प्रवक्ता राजिक अकील के द्वारा राजनैतिक विदेश वश झूठी विज्ञप्ति जारी कर पूर्व जिला भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व नगर भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर को बदनाम करने का प्रयास किया। इस पूरे मामले के तथ्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री नरेंद्र ठाकुर जी ने मीडिया सामने रखे और सभी के सामने पूरी कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी। और नरेंद्र ठाकुर ने ये भी कहा कि बरघाट विधायक बरघाट की जनता को, आदिवासियों को गलत जानकारी देकर उनको गुमराह कर रहे हैं। बार बार रोड जाम करना उनकी आदत बन गई है। मुख्यमंत्री को गाली देना ये भी वह कह रहे हैं। संवाददाता हरिओम सोनी, सिवनी मध्य प्रदेश। क्या आरोप आप ये कांग्रेस के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए इस तरीके के झूठे प्रकरण खाद के बना रहे हैं। मैं एक किसान भी हूँ और मैंने एक ऑर्गेनिक खाद बुलवाई थी और 60 से 70 बोरी मेरे खेत में खाद रखी हुई थी। इनके द्वारा झूठी शिकायत की गई कि 600 बोरी DAP मेरे खेत में रखी हुई है। अधिकारी ने गए, देखे, उसकी फोटो भी है, मैंने आप सब लोगों के सामने उसको दिखाई भी है। 60-70 बोरी खाद है, मुझे खुद ही 100 से 125 बोरी खाद लगती है प्रतिवर्ष। और मेरे उन्होंने 600 बोरी की शिकायत की और जांच अधिकारी ने गए और उन्होंने जाकर कहा कि यह तो ऑर्गेनिक खाद है, इसकी कोई बात ही नहीं, कोई मामला ही नहीं बनता, ना इसकी कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत होती। और हमने उसका बिल प्रस्तुत तत्काल उन्हें दे दिया। क्या कांग्रेस क्या षड्यंत्र है बदनाम करने के लिए? किस तरह कांग्रेस लगातार अपने खुद के स्वयं के मुद्दे भूल गई है और अपने स्वयं के गिरेबान पे झांक कर नहीं देख रही है। दो दो तीन तीन ग्रुप में कांग्रेस यहां पर काम कर रही है। एक कांग्रेस किसी मुद्दे को उठाती है तो दूसरी कांग्रेस खुद उसको पैर पकड़ कर खींचती है, ये तो इनकी स्थिति है। और झूठी कांग्रेस के प्रवक्ता झूठी विज्ञप्ति जारी करते हैं, जबकि जो कृषि विभाग है उसने PRO के माध्यम से आप सबको ये जानकारी दी है कि यह झूठी शिकायत है और झूठी शिकायत के आधार पे यह केस किसी प्रकार का कोई मामला नहीं बनता। जब झूठी शिकायत है तो कांग्रेस के प्रवक्ता उसे तूल दे रहे हैं, अपना राजनीतिकरण ओछी मानसिकता से राजनीति कर रहे हैं। अब आगे क्या रणनीति है इसमें? ये हम इसकी प्रेस नोट जारी किए आपके माध्यम से और अब आगे हम हमारे अधिवक्ता हैं मुकेश साहू जी, हम उनसे सलाह लेंगे कि आगे इस मुद्दे में क्या हो सकता है। बाकी हो सकता है यदि कानूनी कार्रवाई बनती है तो हम उसकी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। क्या थाने में शिकायत करोगे इस पूरे मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, हमारे द्वारा इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है और अब इसमें कोई ऐसा मामला यदि बनता है तो हम उसकी शिकायत करेंगे। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।